तुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए, और तुझे चैन ना आए, चैन ना आए, चैन ना आए, तुझे नींद ना आए, तुझे चैन ना आए, तू सो भी ना पाया, न जाने कहाँ मन खो गया, न जाने कहाँ नींद खो गई। तो मुझे पता चला है कि आपकी नींद कहीं खो गई है। दरअसल कोई नहीं है, वो आपके घर से रूठ के ऐसे चले गई है जैसे नई ब्याही दुल्हन अपने पति से रूठ के वापस मायके चली जाती है। लेकिन डोंट वरी, मी बींग लाइक योर ओल्डर ब्रदर, ठीक है ना बड़े भैया, कि हम भूमिका निभाए। हमने आपकी नींद से कुछ बातें की, वी यू नो डिस्कस्ड सर्टेन थिंग्स विथ योर स्लीप, और हमने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। हमने क्या किया, बहुत कोशिश की हमने, ठीक है ना, हम बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं हुई। उसने कहा कि भाई हम बहुत परेशान हो गए भैया, अब आपसे क्या झूठ बोले, जैसे मैं आपका बड़ा भैया हूँ वैसे मैं निंदिया रानी का बड़ा भैया हूँ। तो निंदिया रानी ने कहा कि भाई मैं इस मानव से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने कहा ऐसा कहा है, तो बोली ऐसा है कि ये मानवीय मनुष्य अपना ध्यान रखते ही नहीं हैं, ये सही टाइम पे ना सोते हैं, ना जागते हैं, ना खाते हैं और ना ही पीते हैं, कोई भी काम अपना ये सही टाइम पे करते ही नहीं हैं। एंड दैट इज़ नॉट फेयर टू निंदिया रानी। ये निंदिया रानी के साथ बहुत 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 ही बड़ा, ये निंदिया रानी के साथ बड़ा ये अन्याय है। दिस इज एन इनजस्टिस माय लॉर्ड एंड वी कैन नॉट लेट दिस बी। इसलिए आपको मुझे वादा करना पड़ेगा और मेरे साथ साथ निंदिया रानी को भी कुछ वादे करने पड़ेंगे। देखिए दरअसल ये दुनिया, ये मनुष्यों की दुनिया जिस तरीके से बनी है, इसमें निंदिया रानी हम सबको, हम सब के साथ मेहरबान है, लेकिन हम में से बहुत सारे मेनी पीपल लाइक अस, वी डोंट टेक केयर ऑफ आर स्लीपिंग क्वीन, ओके द स्लीपिंग फेरी, वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द निंदिया रानी, एंड फॉर दैट रीजन शी बिकम पिसड, ओके शी वेरी पिसड, सो मच पिसड शी नीड टू वेयर डाइपर। तो वो आपसे बहुत 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 परेशान है, एंड फॉर दैट वी नीड टू मेक सर्टन चेंजेस इन आवर लाइफ। यू नो वाई आई हैव दिस ब्रश, पता है क्या हम ये ब्रश लाए हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में हम चेंजेस ला सकें। वी आर गोइंग टू पेंट अ न्यू टाइप ऑफ लाइफ फॉर यू, ऑल राइट, वी नीड टू बिल्ड अ न्यू टाइप ऑफ लाइफ, अ न्यू टाइप ऑफ वाइब फॉर यू। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सही टाइम पे सोना है और सही टाइम पे जागना है, ओके यस, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज, आई एम फाइन थैंक यू वेरी मच, ये कहावत है, मेरे को बहुत सारी ऐसी कहावतें आती हैं। तो सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे जागना है, तो ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त, सही चीज़ें का खान पान सही वक्त सही समय पे आपको करना पड़ेगा, ऑलराइट, ये दूसरी और ये भी बहुत ज़रूरी शर्त है जो निंदिया रानी ने आपके लिए रखी है, आपके लिए रखी है, कि सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना और सही टाइम पर खाना और सही टाइम पर पीना और अच्छी अच्छी चीज़ें खानी पीनी, जंक फूड से जितना परहेज़ कर सके, कभी कभार चल जाता है लेकिन रोज़ रोज़ अगर उसके आप आदि बन जाए तो आपका अंत निश्चय है। वाह 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 करिए, आप वाह क्यों नहीं कर रहे, वाह क्यों नहीं करता, मैं वाह क्यों नहीं करता, कितनी अच्छी बात मैंने बोली, ठीक है ना, जंक फूड के आदि बन जाए तो अंत तो निश्चय है। सो नो जंक फूड, नो बैड फूड, नो प्रोसेस फूड, ओनली हेल्दी फूड, ऐसा फूड
जो आपको अंदर से भर दे, दैट कैन फिल द डीप होल इन योर हार्ट. बट यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर यू डू नॉट ओवर ईट. ऐसा नहीं है कि बस खाना मिल गया तो बस खाने ही लग गए, खाने ही लग गए और खाने 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 लग गए. सिर्फ खाना ही नहीं है, खाना है लेकिन बहुत सोच समझ के खाना है, बहुत सोच समझ के आपको सेवन करना है. जिस भी भोजन का आप सेवन करना चाहते हैं, दैट यू विश टू. ओके, ये निंदिया रानी की दूसरी शर्त है. ठीक है, मानने को तैयार हो? मैं पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मानने को तैयार हो. यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट. ऑलराइट, चलो ये बात भी क्लियर. अब आते हैं हम अपनी तीसरी बात पे, जो है स्ट्रेस की. इसमें मैं शायद से निंदिया रानी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सके ना सके, मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकता हूँ कि जीवन में जो तनाव की मात्रा है वो तो थमने का नाम ले ही नहीं रही है बाबा. बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तनाव इतना ज़्यादा है, हर चीज़ को लेकर तनाव, क्या करें. इसके लिए मैं सुझाव ये होगा, माई रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेस वुड बी दैट यू वॉच माई वीडियो. डोंट वॉच माई वीडियो, वॉच माई वीडियो, वॉच माई वीडियो, वॉच माई, मेक श्योर यू वॉच माई वीडियो, क्योंकि हमारी वीडियो देख आपका तनाव मुक्त हो जाएगा. क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ करेंगे जो या तो आपका तनाव पका देगी या आपको किसी ना किसी तरह संभाव आपका रंजन करेगी. क्या करेगी? आपका मनोरंजन, आपका मनोरंजन करेगी. तो देखिए, सोना जागना सही हो गया, खान पान सही हो गया और तनाव का ध्यान पे रख लूँगा. चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी सुलह समझ सपटा सब हो जाए निंदिया रानी के साथ, एक चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि निंदिया रानी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है. ठीक है ना, यदि आपने हावी होने दिया तब भी आपका अंत निश्चय है. योर एंड विल ऑल्सो बी सर्टेन. जैसे अभी निंदिया रानी को आप मुँह नहीं लगा रहे तो आपका अंत निश्चय है, वैसे अगर आप निंदिया रानी को जरूरत से ज़्यादा मुंह लगा ले, मतलब बिल्कुल ही आलसी लमलेट किस्म के ऑमलेट बन जाए, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा. ठीक है ना, संतुलन, संतुलन, बैलेंस, सॉरी बैलेंस, ऐसे 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 रहना चाहिए सब कुछ, ऐसे बैलेंस में, ना इधर झुकाव किसी भी एक तरफ कभी नहीं होना चाहिए. Life is all about maintaining a balance. Maintaining a balance, एक बैलेंस बना के रखोगे तो ज़िंदगी में सब कुछ सेट है. ठीक है, सब कुछ सेट है. तो ये कुछ शर्तें थी निंदिया रानी की. और निंदिया रानी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पे वापस आए तो आपको ये सारी शर्तें माननी पड़ेगी. ये सारी शर्तें माननी पड़ेगी. तो क्या आप शर्तें मानने को तैयार हैं? मैं पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप शर्तें मानने को तैयार हो. देखिए, वो जैसे जैसे हम आपके बड़े भैया हैं, वैसे हम निंदिया रानी के भी बड़े भैया हैं. और निंदिया रानी को परेशान हम देख नहीं सकते. ठीक है ना, तो इसलिए उसकी यह शर्तें चुपचाप मान लीजिए बाबू, वरना हमें अपने बड़े भैया होने का फर्ज निभाना पड़ेगा. ठीक है ना, अब जाता मैं अपने बड़े भैया होने का फर्ज
के साथ अच्छे से सुखद एक जीवन बिताइए। फालतू की चकल्लस चिकचिक किच किच पिच पिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। खुशी खुशी रहिए, बस इतनी सी बात बताने आपको आया था, इतनी सी बात आपको पल्ले ना पड़े तो भाई तो समझ गए ना। बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ये लो थोड़ा ब्रश ले लो मुँह पे, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ओके तो अभी मैं चलता हूँ, अभी हम निंदिया रानी को भेजते हैं। आप तब तक अपनी आँखें बंद कर लीजिए, तब तक आप अपनी आँखें बिल्कुल शट डाउन कर लीजिए, बस अपना जी हाँ बस ऑल्ट F4 बिल्कुल शट डाउन, क्लोज पावर ऑफ, ठीक है क्लोज। और अब हम निंदिया रानी को बुलाते हैं। रानी आ जा, मनुष्य को सुला चुप।